हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 2 मिनट सीरीज के अंडर, साइंस एंड टेक के अंडर, आज हम पढ़ेंगे फ्लोरोसेंट इंक। तो फ्लोरोसेंट इंक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसको CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है एंड एक फास्ट ड्राइंग फ्लोरोसेंट इंक है। इतनी फास्ट कि 20 सेकेंड्स में इट ड्राइज अप क्विकली एंड वो भी एट रूम टेम्परेचर। एंड अपनी जो जो फोटो ल्यूमिनेसेंस है, जो ग्लो है, वो 70% तक रिटेन रखती है इवन आफ्टर एंड ऑफ अ मंथ। तो जो इसका नेचर हमने पाया कि 26% ड्रॉप तो हो जाता है इंस्टेंटली 1 आवर के अंडर ही, एंड उसके बाद अगले 2 घंटे में सिर्फ 2% जो इल्यूमिनेशंस है इसका वो ड्रॉप होता है, लेकिन उसके बाद 3 आवर्स के बाद कोई रिडक्शन नहीं होता इसकी एमिशन इंटेंसिटी में। उसके बाद जो ल्यूमिनेसेंस है वो उतना ही बरकरार रहता है। ठीक है जी, जो नॉर्मल इंक का कलर है दैट इज क्रीम इन कलर, एंड अगर आप ग्रीन सॉरी अगर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट उसके ऊपर डालते हैं तो इट टर्न्स टू बी ग्रीन, लेकिन दोबारा से व्हेन द यूवी लाइट इज रिमूव्ड तो उसके बाद फिर से अपना ये कलर रिटेन कर लेती है। ठीक है जी, तो इसके फॉर्मुलेशन के बारे में अगर हम जाने तो फ्लोरोसेंट डाई जो है उसको एनकैप्सुलेट किया हुआ है विद इन डबल लेयर्ड सिलिका नैनोस्फेयर्स। तो सिलिका नैनोस्फेयर्स को यूज किया गया है जिसके अंडर उस डाई को रखा जाता है। एंड इसका फायदा क्या है डबल लेयर्ड सिलिका नैनोस्फेयर्स का, कि ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिस्पर्सन सॉल्वेंट एंड बाइंडर्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंक। तो उससे होता क्या है कि जो रिडक्शन है फोटोल्यूमिनेसेंस की वो काफ़ी उसका लाइवलीहुड कम हो जाता है कि वो रिड्यूस हो। तो इसीलिए जो हम ये देख रहे हैं कि इवन आफ्टर द एंड ऑफ अ मंथ जो ल्यूमिनेसेंस है वो बरकरार है। एंड मोर ओवर एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि इस इंक को आप इनविजिबल इंक के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक और इंक रिसेंटली ही फॉर्मुलेट की गई है बाय नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली जो कि इनविजिबल है। एंड उसका फ़र्क क्या है इस इंक से, कि वो सिर्फ हमें दिखती ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी लाइट के अंडर है, एंड ये एज वी कैन सी ये ग्रीन टर्न कर जाती है जब यूवी लाइट पड़ती है। तो एनी हाउ, तो जो डबल लेयर सिलिका नैनोस्फेयर्स हैं वो इसकी क्लस्टर फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए हमें जो ल्यूमिनेसेंस है वो ज़्यादा टाइम तक दिख रही है। इसकी एप्लीकेशन अब हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक तो काउंटर एंटी काउंटर फिटिंग में हो सकती है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको, बायो इमेजिंग के लिए, स्मार्ट पैकेजिंग एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट अवर न्यू फ्लोरोसेंट इंक। थैंक यू।